नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। कोरोना काल में किसी और वजह से महामारी ना फैले, इसके लिए सरकार सतर्क हो गई है। यूनियन फूड मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को खुला सरसों का तेल या कोई अन्य खाद्य तेल बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। बता दें कि खाद्य सचिव निधि खरे ने सभी राज्यों के प्रधान सचिव और खाद्य सचिव को भेजे गए पत्र में इस बात का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने याद दिलाया है कि खुले खाद्य तेलों की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन अभी भी इस तरह तेलों की बिक्री की खबर मिल रही है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सतर्क किया जाए। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उनकी इस मामले को लेकर कई वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई है। सभी ने आश्वासन दिया है कि एक विशेष अभियान चलाकर खुले सरसों तेल या अन्य खाद्य तेलों की बिक्री पर लगाम लगाई जाए। जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कोरोना खुद बड़ी महामारी के रूप में सामने आई है, ऐसे में मिलावटी खाद्य तेलों की वजह से कोई दूसरा रोग ना हो, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के मुताबिक यदि कोई असुरक्षित या मिलावटी खाद्य तेल बेचता है तो उसे 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही 1,00,000 रुपए से 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। विभागीय अधिकारियों का जनता से कहना है कि सरसों या अन्य खाद्य तेल 15 लीटर 5 लीटर 1 लीटर 500 ml और 100 ml की सुविधाजनक पैकिंग में बिकते हैं, जिनकी जितनी आवश्यकता है या जितना खरीदने में सक्षम है उतना तेल खरीदें। बस ध्यान रखें कि खुला तेल नहीं खरीदें क्योंकि उसमें मिलावट की गुंजाइश है। याद दिला दें कि दिल्ली की संस्था कंज्यूमर वॉइस ने 2 साल पहले देश के 15 राज्यों में लूज खाद्य तेलों की बिक्री पर एक सर्वेक्षण किया था और उसमें 85% सैंपल में मिलावट पाई गई थी। इन तेलों में सरसों, तिल, नारियल, सूर्यमुखी, पामोलिन, सोयाबीन और कॉटन सीड आयन शामिल थे। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।